क्या आपको वेरिकोसील है और अभी डिटेक्ट हुआ है अर्ली स्टेजेस पे? क्या उसका सॉल्यूशन है? यस, एक्चुअली में उसका सॉल्यूशन है। आप अपने वेरिकोसील को क्योर कर सकते हैं इजीली। बट उससे पहले कुछ चीज़ों को आपको नोटिस करना पड़ेगा कि किस वजह से ये आपको वेरिकोसील हुआ है। देखो, आपको पता है, हमको पता है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हमारी डेली बेसिस में हो रही हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ते पड़ते हमें वेरिकोसील बना है। तो पहले उन सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप बड़े लंबे समय से कोई फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा इन्वॉल्व ना होने के बाद भी वेरिकोसील के चपेट में आए हैं, या जिसे मैं बोलूँ कि वेरिकोसील आपको डिटेक्ट हुआ है, तो उसके पीछे रीज़न ज़्यादातर हमें जो नज़र आते हैं वो सबसे पहले आते हैं आपके कॉन्स्टिपेशन के। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बट आपको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही एक मेजर रोल अपना रहा है आपके वेरिकोसील को बनने का। तो कॉन्स्टिपेशन या आपका गट हेल्थ, मान लीजिए कि कोलाइटिस या आईबीएस जैसी कोई प्रॉब्लम, या फिर आपकी सिटिंग जॉब ही है बट उसके बाद भी आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ किसी ना किसी इंजरी की वजह से, ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें वेरिकोसील मिलता है। तो सिंपली अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है फिर भी वेरिकोसील डिसऑर्डर आपके साथ जुड़ गया है, तो सिंपली आपने उनको कॉजेस को हटाना है। जैसे कि कॉजेस सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिपेशन। अगर कब्ज़ की दिक्कत बड़े लंबे समय से है तो कब्ज़ को आपको निकालना पड़ेगा, अपने शरीर से उसको ठीक करना पड़ेगा जैसे भी करके। दूसरा, अगर आपकी इंजरी हुई है तो इंजरी कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, उसको आप एक बारी देख सकते हो, समझ सकते हो। और अर्ली स्टेजेस पे वेरिकोसील है तो उसको ठीक करना वैसे ही ईजी हो जाता है। मान लीजिए कि देखो, जब इंजरी हुई उसका सॉल्यूशन तो चलो मेडिसिन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो गई, उस वेन्स में ज़्यादा सूजन आ गई जिसकी वजह से वो वेरिकोसील डिटेक्ट हो रहा है, या फिर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही एक रीज़न बना, तो कॉन्स्टिपेशन को आप पहले ठीक करना स्टार्ट करोगे जिसकी वजह से आपका वेरिकोसील खुद ही ऑटोमेटिकली तरीके से थोड़ा बेटर होना चालू होगा, क्योंकि उसके पास इम्पैक्ट आने कम हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आप कॉन्स्टिपेशन पे होते हैं तब आप स्टूल पास करने जाते हैं, तो आप स्टूल पास पे जोर लगाते हैं, जब वो जोर लगता है आपका गट या जिसे मैं बोलूँ आपका एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से बार बार प्रेशर अटैक होने की वजह से वेंस पे डायमीटर बढ़ जाता है, वहाँ की वॉल्स खराब होनी चालू हो जाती है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना होगा। अब आती है बारी जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। देखो, सिंपल सी बात बोलूँगा, फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग या जिमिंग जाते हो या जिम जाते हो, तो आप समझ लो कि आपका जो मेन कॉज बन गया है वो आपकी साइकिलिंग भी हो सकती है, रनिंग भी हो सकती है, या फिर आपके जिमिंग या हैवी वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेज भी हो सकती है, या जैसे बोलूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब इन एक्सरसाइज का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है उसके पीछे रीज़न देख लो। क्योंकि जब आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो हमारे जो टेस्टिकल्स हैं वो एक सॉफ्ट पोर्शन की तरह है, क्योंकि ना वहाँ पर कोई हार्ड मसल है, ना कोई मेजर कोई बोन अटैच्ड है, जिसकी वजह से उसको इम्पैक्ट ज़्यादा झेलना पड़ता है। आपके झटके सबसे जल्दी या सबसे पहले जो झेलता है वो आपके टेस्टिस ही झेलते हैं, इसलिए अंडरवियर पहनना ज़रूरी है। इसीलिए आपको जिम वाले भी कहते हैं कि सपोर्टर डाल के आने की ज़रूरत है। बेसिक रीज़न यही होता है कि सबसे पहले इम्पैक्टेड पोर्शन जो होता है वो आपके स्क्रॉटम एरिया होता है, और स्क्रॉटम एरिया के पास खुद का भी एक नेचर होता है। वो नेचर ये है कि अपने टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने टेस्टिस का, या जैसे बोलो स्क्रॉटम को, वो अप एंड डाउन करता है, जिसे मैं बोलूँ कि कॉन्ट्रैक्शन और हैंगिंग में लेकर आता है। जब कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तब वो आपके शरीर के साथ चिपकता है, और जब हैंगिंग आती है तो लटकता है। तो बेसिकली ये कुछ हमारे शरीर के साथ ये एक फिनोमिनल प्रैक्टिस है जो टेस्टिस अपने हिसाब से मॉड्यूल करता है, अपने हिसाब से उसको हैंडल करता है। अब उसमें अगर हम बार बार इम्पैक्ट डाल रहे हैं थ्रू जिमिंग या थ्रू साइकिलिंग या थ्रू रनिंग या सिर्फ नॉर्मल वॉक भी लंबी लंबी कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आता है आपके स्क्रॉटम के ऊपर, और वहाँ पर वो वेरिकोसील दिक्कत करता है। इसीलिए अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, साइकिलिंग, रनिंग या फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, तो तुरंत उसको आज की डेट में रोकना पड़ेगा। अब आती है इसके बाद कि हम उसको क्योर कैसे करें। तो क्योर करने की सिर्फ तीन ही उपाय हैं जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा डेली रूटीन में लेकर आएँ। एक्सरसाइज आपके सामने कि पैरों को ऊपर करना, और एक सिंपल एक्सरसाइज जिसे बटरफ्लाई आसन भी बोल देते हैं, ये दो एक्सरसाइज आपने डेली बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करा दो, कि आपने रोज़ सुबह करनी है या रोज़ शाम को करनी है, इस तरीके से ही चलेगी वो, और साइड बाय साइड। इसके अलावा
इसके अलावा आपने अपने खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, हल्का खाना खाना है, जो हाई फाइबर हो वो इनटेक करना है जिससे आपकी गट मेंटेन रहे, प्रेशर ज़्यादा ना बनाए और फिर से आपकी वेरिकोसिल पे अटैक ना करे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, गट हेल्थ पे भी काम कर लिया, थ्रू एक्सरसाइज हमने ब्लड फ्लो पे भी काम कर लिया, और थर्ड जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो है आपका सपोर्टर। सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है, चाहे आप वेरिकोसिल के पेशेंट बने भी नहीं हैं, तब भी अगर आप फिजिकली एक्टिविटी में या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व अपनी लाइफस्टाइल में डाल रखी है तो आपको पहनना जरूरी है। तो सपोर्टर, दूसरा डाइट, तीसरा आपकी एक्सरसाइज, इन तीन चीज़ों से आप अपने अर्ली वेरिकोसिल को आराम से ठीक कर सकते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी मेडिसिन। और अगर आपको फिर भी कोई माइंड में क्वेश्चन है, कोई इस तरीके का कोई आपके जहन में सवाल है जो पूछना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार।